हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिना नरेंद्र। आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो गाजर लिया है और इसे मैंने धो करके ड्राई कर लिया है। अब हम इसे पील करेंगे। देखिए, मैंने एक पीलर की हेल्प से सभी गाजरों को अच्छे से पील कर लिया है, तो अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ मीडियम होल वाले ग्रेटर का इस्तेमाल किया है, तो हम गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। और देखिए, हमने गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, तो चलिए अब हम इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून घी लेंगे और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें जो हमने गाजर को ग्रेट करके रखा था वो ऐड कर देंगे। हम गाजर को जेंटली टॉस करेंगे और इसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए घी में अच्छे से रोस्ट करेंगे, जिससे कि गाजर अपना कलर छोड़ दे। हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि गाजर का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए, हमारे गाजर का कलर थोड़ा लाइट हो गया है, मतलब कि अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और दूध में 1 उबाल आने देंगे। जैसे ही हमारे दूध में 1 उबाल आ जाएगा, हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा दूध अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए और हमारा गाजर भी सॉफ्ट ना हो जाए। इस प्रोसेस में हमें लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। और देखिए, हमारा दूध अच्छे से रिड्यूस हो गया है और गाजर भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 3/4 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट 1 किलो गाजर में 3/4 कप चीनी कम्प्लीटली आ जाएगा। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे हमारी चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। देखिए, चीनी डिसॉल्व हो गई है, तो अब हम इसमें 1/2 कप मावा ऐड करेंगे। यहाँ मैंने होममेड इंस्टेंट मावा का इस्तेमाल किया है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, हमने मावा को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे और इसके बाद देखिए हमारा गाजर का हलवा तैयार है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ बादाम ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ काजू ऐड करेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून चिरौंजी यानी कि चारोली ऐड करेंगे। देन 1 टेबलस्पून हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे और जैसे ही हमारी किशमिश पफ्ड हो जाएगी तो हमारा तड़का तैयार है और हम इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये जो तड़का हमने तैयार किया है, हम इसे गाजर के हलवे के ऊपर डाल देंगे और इसे गाजर के हलवे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मावा ऐड करेंगे और लीजिए, गाजर का हलवा तैयार है।
अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं और ऊपर से आलमंड फ्लेक्स और मावा के साथ गार्निश कर देंगे। और लीजिए, तैयार है हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।